गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है 14th of July। आई नो व्लॉग थोड़ा लेट ही आ रहा है, काफ़ी लेट आ रहा है। सो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉग कर नहीं पाया और कहीं बाहर मैं ऐसा किया नहीं, सो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं कर पाया। और सेम दिखाता तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग बोर ही हो जाते। सो यार चलो, अभी भी जाना है शॉप पे। अभी हो रहे हैं 9:30 इन द मॉर्निंग। सो चलो जल्दी से रेडी होते हैं और चलते हैं, और मंदिर भी जाना है क्योंकि आज सावन का फर्स्ट डे है। सो चलो जल्दी चलते हैं। सो नहा तो लिया हूँ, बाकी अभी हेयर्स को जल्दी से सुखाते हैं और अच्छे से बनाते हैं, फिर जल्दी से चलते नीचे मंदिर। एंड हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू। सो चलो जल्दी से बनाते हैं और चलते हैं। सो हो गया हूँ पूरा रेडी, अभी चलते हैं जल्दी से मंदिर। अभी हो रहे हैं 10:05। सो यार जल्दी से चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी ऊपर आना भी है, वापस से शूज़ वगैरह पहनो, क्योंकि अभी नीचे स्लीपर्स ही पहन के जाऊँगा। सो यार चलो जल्दी से चलते हैं। सो आ गया नीचे पार्किंग में, अभी जस्ट बाहर निकल रहा हूँ और मंदिर की साइड जा रहा हूँ। जस्ट मेरे घर के सामने ही मंदिर है, तो अभी दिखाता हूँ आपको मंदिर कि कौन सा मंदिर है और कैसा है अंदर से पूरा मंदिर। हमारे पंडित जी है हमारे मंदिर के, तो जो भी पूजा वगैरह जो भी होती है हम इन्हीं से करवाते हैं और इन्हीं से सब करते हैं। बाकी मैं इनका नीचे दे दूँगा, किसी को कभी मैसेज करके कोई पूजा या कुछ करवानी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। राम राम पंडित। मंदिर तो हो गए हैं, अब जल्दी से ऊपर चलते हैं घर पे और शूज़ पहनते हैं और जल्दी से निकलते हैं शॉप के लिए। सो चलो फटाफट चलते हैं अब। सावन का फर्स्ट डे था, मंदिर भी हुआ है, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, पॉजिटिविटी के साथ हुई है। सो आप लोग भी पॉजिटिव रहना, कोरोना वाला नहीं वैसे पॉजिटिव रहना। सो यार बाकी अभी ऊपर जा रहा हूँ, लिफ्ट थोड़ी सी शोर कर रही है, बाकी अभी लंच तो लेके नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अभी छोटी है वो, तो इसलिए कि चलो कोई नहीं आज वहीं से खा लेंगे। चलो चलते हैं जल्दी से। मैं शॉप के लिए निकल ही रहा था और नीचे आ गया पार्सल। सो चलो जल्दी पहले चलते हैं नीचे और पार्सल लेके आते हैं ऊपर। चलो तो नीचे तो आ गया हूँ, देखता हूँ भैया कहाँ पे खड़े हैं, कहीं गली के वहीं बुला लिया था। ये रे चलो पार्सल लेते हैं। वो दोनों पार्सल आ गए हैं, अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं इनकी। चलो ऊपर चलते हैं और पार्सल खोलते हैं, जैसे बोल रहा था अनबॉक्सिंग करते हैं पार्सल की। सो या बाकी अभी देखता हूँ, शायद अभी करता हूँ या क्या, क्योंकि लेट भी हो रहा हूँ। अनबॉक्सिंग करने का मन तो है बट देखते हैं बाकी कि करता हूँ अभी या नहीं करता। और 2 मिनट में स्वेटिंग देख रहे हो कितनी हो जाती है यार, सीरियसली। चलो चलते हैं अभी जल्दी से ऊपर, क्योंकि अभी बनने वाले हैं 11 और लेट हो रहा हूँ बहुत जबरदस्त वाला, तो चलो देखते हैं। निकल गया हूँ अभी,
अभी जल्दी से चलते हैं मेट्रो और चलते हैं शॉप पे। तो अभी तक धूप नहीं थी, अभी जैसे ही मैं निकला धूप आ गई है और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है ना, मैं बता नहीं सकता आपको। पर अब क्या करें, जाना तो है ही, तो चलो जल्दी चलते हैं, कम से कम मेट्रो में जाके एसी की हवा तो आएगी। चलो चलते हैं जल्दी से। ये हमारे यहाँ का रिक्शा पॉइंट है, यहाँ पे सारी बैटरी रिक्शा खड़ी रहती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती। बाकी ये हमारे मेट्रो का यहाँ का पार्किंग, तो चलो जल्दी से चलते हैं। तो बस पहुँच गया मेट्रो स्टेशन और बहुत ही गर्मी है यार, आज सच में इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो गई से वहाँ से यहाँ आने में। तो यार चलो पहुँच तो गए हैं, बाकी जल्दी से चलते हैं और बैठते हैं मेट्रो में और हवा खाते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई करवाने वाली गर्मी है, तो चलो कोई नहीं चलते हैं जल्दी से। अभी जस्ट मैं एंटर होने वाला था और ये मेट्रो में वैसे ही लड़ाई चल रही है, आई डोंट नो क्या हुआ है बट बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, किसी को लग रहा बहुत ज़्यादा लेट तो बहुत ज़्यादा ही फाइट हो गई है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आई थिंक लेट होने के चक्कर में शायद कुछ फाइट हो गई है और ये दो बंदे हैं जिनकी फाइट हो रही है, सो चलो चलते हैं। बाकी हम यहाँ से मेरे को भी पकड़ लिया था, वो भी इसलिए पकड़ा कि ब्लॉक क्यों कर रहा है। सो यार बाकी कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पर्सनल कुछ की नहीं कर सकते कुछ। अब यहाँ पे फाइट चल रही है तो इनके ऊपर आ जाएगा, तो इसलिए कह रहे हैं कि ब्लॉक मत करो। ये कहाँ की बात होती है यार, मेरे को समझ नहीं आया ये। पर चलो फिलहाल कुछ कहा तो नहीं पुलिस ने इतना, तो कोई नहीं चलते बाकी। तो मेट्रो आ गई, अभी चलते हैं जल्दी से अंदर। चलो पहुंच गए हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन पे और ऊपर जाना होगा लिफ्ट में और बस वहाँ से 2 मिनट की वॉकिंग है और मेरा जो शॉप है, मेरी जो शॉप है वो आ जाएगी, तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। हेलो फिर से भाई, तो पहुँच गया था मैं शॉप पे, अभी आया था, शॉप थोड़ी देर पहले ही ओपन हुई थी तो जो सफाई वगैरह होते डस्टबिन वगैरह वो कर रहे थे और झाड़ू पोछा भी लगा रहे थे क्योंकि ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत डस्ट हो जाती है और अभी तो चल भी ऐसा रहा है क्योंकि बारिश होती है, कीचड़ आता है कि जूतों में, फिर इसलिए रोज ही करते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, हम रोज़ नहाते भी तो है। चलो आई थिंक ज़्यादा ज्ञान देने लग गया हूँ। बाकी मौसम सोचा था अच्छा होगा बट यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बारिश आके यू टर्न मार लेते कि भाई दिल्ली आ गई हूँ, कट लेती हूँ यहाँ से। दिल्ली में बारिश हो नहीं रही है और एक एक जगह बारिश हो रही है और वाट लगी पड़ी है यहाँ पे। तो अच्छा खासा सुबह मौसम ठीक था, सोचा था कि चल ठीक रहेगा बट वही है, कहाँ ठीक होता है, धूप आ गई और कड़ाके की धूप, ये भी नहीं कि थोड़ी सी आए, पूरी कड़ाके धूप, पसीना पसीना हो गया था। अब आके जस्ट अभी एसी में बैठा हूँ और हवा खा रहा हूँ। तो देखो अभी कस्टमर वगैरह भी आए थे, थोड़ा सा पूछे था एक दो जनों ने तो बताए थे उनको डिटेल्स वगैरह। बाकी चलो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, जैसा भी होगा आपको साथ में बताएंगे। तो आज आधे घंटा से भी ज़्यादा हो गया, लाइट गई हुई है और हालत बुरी हो गई है। अभी तो मैंने वाइप किया है और सॉरी पीछे से जनरेटर की आवाज़ है, वो साथ वाली जो शॉप है वहाँ से आ रही है। सो यार देखते हैं, पता नहीं कितनी देर में आती है, कब तक आती है देखते हैं, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है लिटरली। चलो देखते हैं कब तक आएगी लाइट, कब तक नहीं आएगी, अंदर बैठने की तो हिम्मत होनी नहीं, बाहर आ रहा हूँ तो बाहर धूप है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अभी हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हुई थी पर वापस से बंद हो गई और देखो कितना ही अच्छा लग रहा है ये पूरा, और ये पूरा साइड में वहाँ पे रेड फोर्ट है पूरा, वहाँ से लेके पूरा अभी तो ये ट्रीज़ की वजह से पूरा ढका हुआ है। बाकी ये देखो यार व्यू कितना ही मस्त आ रहा है, बादल हो तो रखे पूरे काले, देखो कब तक आएगी बारिश, ड्रिजलिंग हो रही है बस। चलो कोई नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर आऊँ क्योंकि अंदर गर्मी लग रही थी, लाइट नहीं आई थी अभी तक इसलिए। चलो सो फाइनली लाइट आ गई है, अब जस्ट बैठा हूँ एसी में, अभी फिर चली गई थी अभी आई है। बाकी अभी देखते शायद मैं भी जाऊँगा कुछ खाने के लिए क्योंकि लंच में आज लाया ही नहीं हूँ, और
मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मतलब उठी लेट थी, सो मैंने भी फोर्स नहीं किया कि बना दो। सो यार बाकी अभी जाते हैं, पैंटी जाऊँगा तो दिखाता आपको यहाँ का भी पैंटी, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट है। चलो अभी पीछे पढ़ना स्टार्ट हो गया, कर तो पाना। अभी निकल चुका हूँ मैं शॉप से और अभी मैं वाला अंदर एंटर ही हुआ मेट्रो में, जल्दी से अभी नीचे जाना पड़ेगा, मेट्रो आ गई है। सो चलो फटाफट चलते हैं नीचे, अभी हो रहे हैं शाम के 6 और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं शायद घर जाके कुछ खाऊंगा, चलो चलते हैं। जैसे ही मैं नीचे आया मेट्रो आई गई थी, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। पहुँचाऊ मंडी हाउस और जल्दी से चलते हैं, बाकी आज मेट्रो थोड़ी सी धीरे चल रही है, आई डोंट नो व्हाई, बाकी चलो कोई नहीं, देखते हैं कैसा सब रहेगा। तो बारिश का मौसम तो बहुत बढ़िया वाला हो रहा है, देखो बादल आ रहे हैं, बाकी देखते हैं बारिश आती है अभी, वैसे आएगी तो सही क्योंकि काले हो रहे बादल। चलो जल्दी से घर चलते हैं अभी। फिर से नहाया हूँ क्योंकि लाइट गई हुई थी, सारा पसीना पसीना हो रखा था, सो आपको दिख ही रहा होगा कि मैंने फिर से चेंज कर दिया। सो चलो अभी अनबॉक्स भी करते हैं जो सुबह आया था, सो उसको भी अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं, देखते क्या। वैसे मेरे को तो पता ही है कि क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो सो ये आए हैं 2 पार्सल जो आपने सुबह भी देखा था, मतलब पहले आगे भी देखा है, तो चलो इसको पहले करते हैं अनबॉक्स। और ये है मेरी आई थिंक 40 बाद में, बाकी इसमें कैप भी है, पूरी हुडी टाइप है और जैसे कि आप देख सकते हो चेन भी है, कूल है यार, अच्छी है काफ़ी। और ये सिर्फ आई है 280 रुपीज़ की, कहाँ से मंगाई है वो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉन्सर नहीं है सोया, बाकी आप ये देखो। बाकी दूसरी चीज़ जो है वो है ये, और इसमें मैंने मंगवाया एक ब्लूटूथ सोया, इसको करते हैं ओपन। ब्लूटूथ ये देखिए, बाकी आई डोंट थिंक सो की आई थिंक अभी ऑन होगा क्योंकि चार्जिंग नहीं होगी इसमें। Zebronic का है ये, सो आवाज़ तो अच्छी लग रही है, बाकी देखते हैं कैसा है ये कैसा नहीं। इसमें मेमोरी कार्ड भी लग जाएगा, पेन ड्राइव भी लग जाएगी और USB तो वो तो चार्जिंग के लिए है, सो वो तो लगेगी। सो यार ये कुछ है ऐसा, बाकी अभी आपको वॉइस सुनाता हूँ इसकी। सो अभी मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है, बाकी अभी कोई गाना चलाता हूँ। हमारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है, इलेक्ट्रॉनिक का है। कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, सो बस मैं आपको बताना था कि ये है और ये सिर्फ आया है 450 रुपीज़ का। सो ठीक है, उस हिसाब से तो आई थिंक वर्थ है इसका, कम से कम कहीं बाहर जाओ या कुछ चाहिए होता है थोड़ा बहुत तो ये ठीक है। सो या तो अभी निकल गया हूँ, मेरे को जाना है एक जगह पे, तो क्या जगह है अभी मतलब रिवील तो नहीं कर सकता बट इन फ्यूचर आप सबको पता चल जाएगा। और अब मौसम हो चुका है एकदम बढ़िया, एकदम
जय गुरु नानक देव जी। हाँ, तो कहा था कि मौसम हो चुका है बहुत बढ़िया और स्कूटी चलाने में आ रहा है उतना ही मजा। बस यार जल्दी से बाइक आ जाए, राइड का मजा डबल हो जाएगा। सो मैं इन फ्यूचर के लिए मतलब कुछ टाइम बाद एक GoPro सोच रहा हूँ लेने की, क्योंकि एक तो फ़ोन माउंटिंग कहीं मतलब कहीं भी नहीं हो सकता, कहीं लग नहीं सकता स्कूटी पे और ना हेलमेट पे लग सकता है। सो मैं यही सोच रहा हूँ कि एक GoPro ले लेता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा व्लॉग करने के लिए भी और जैसे ऐसे जैसे शूट कर रहा हूँ अभी स्कूटी पे उसके लिए भी। सो देखते हैं बाकी या बस एक समय। चलो अभी हो रहे रात के 8:30, अभी जल्दी से चलते हैं और फिर होते हैं। माय गॉड ये जा रही है PM। सो यार चलो यार अभी करते हैं थोड़ी देर में कुछ बातचीत, आप लोगों से मिलते हैं फिर से, क्योंकि मेरे को काम करने अभी एक जगह जाना है, वहाँ निपटूंगा उसके बाद। बाकी अभी जैसे सोचा था सावन का जैसे पहला दिन है सो लगा नहीं था कि मतलब बिल्कुल सूखा सूखा, खैर आने भी नहीं चाहिए क्योंकि अब मैं स्कूटी पे हूँ और पूरा भीग जाऊँगा बड़ी बुरी तरह से, क्योंकि पहले ही लाइट नहीं थी सुबह तो गर्मी गर्मी हो गया था और अब हो गया तो ठंडा ठंडा हो जाएगा, तो फिर गर्मी ठंड हो जाएगी तो तबीयत ख़राब होने के पूरे चांसेस है। सो यार बाकी चलो चल तो नहीं है, चलते और देखते हैं, बाकी बारिश होगी तो फिर बारिश का भी मज़ा ले लेंगे। लेट्स गो। सो गाइस अभी हो रहे हैं 10:30 रात के और अभी बस पहुंचने वाला मैं घर, काम था वो मैंने निपटा लिया है, हम जाएंगे घर और खाएंगे खाना क्योंकि भूख लग रही है यार सुबह से। बस वही सब सोच रहे होंगे सुबह से लगा हुआ है कि खाना 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 और खाया नहीं है, बट क्या करूं काम इतने होते हैं, बट ठीक है जोक सपाट। बाकी अभी जस्ट जल्दी घर जाते हैं और खाते हैं जल्दी से खाना। बाकी अनबॉक्सिंग आपने देखी, क्यों तो मतलब मम्मा ने कॉल आया था यूज़ कर रही हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा है। बाकी वो जो जैकेट थी मतलब ब्लैक वाली जो एक बार पार्सल आया था सो वो जाके पहन के देखते हैं कि कैसे लगता है कैसा नहीं लगता। चलो और 5 मिनट में अभी घर पहुँच जाऊँगा, सो चलो मिलते हैं सीधा घर पे। सो अभी है लिफ्ट में और रास्ते से लिए था पनीर, आई नो थोड़ा सा सामान लेना था। सो बस अभी मेरा फ्लोर आ गया, अभी नीचे PG में लड़के रहते हैं सो वो मतलब फ्रेंड एक तरह से हो गई है सो वो मिल गए थे इसलिए रुक गया था। सो आके ये देखो गेट अपने आप खुल गया स्पेशली मेरे लिए, सो चलो जल्दी से चलते हैं। हुआ क्या, मम्मा ने कहा कि गोलगप्पे खाने का मन करे और बर्गर भी, सो हमारे यहाँ पे एक रेडी पे ही आते हैं भैया आते हैं। सो उनका मतलब लगभग ये मान लो कि जब मैं 5-6 साल का था कि हाँ मेरे को पता था कि हाँ तब से वो आ रहे हैं, सो मतलब टेस्ट अलग ही होता है पहले का, सो वही सेम टेस्ट है अभी तक, बहुत बड़ी बात होती है कि सेम टेस्ट होता है बस। सो चलो जल्दी से लेते हैं वहाँ से जाके। सो ये आपको दिख रही होगी रेडी, सो यही है हमारे गुप्ता जी है इनका नाम, सो यहाँ से ही लेते हैं। गुप्ता जी क्या हाल है आप, वो कर गोलगप्पे तो जी वो हो जाएंगे वाले जो पानी वो शॉर्ट वाले करते हो आप, वो एक प्लेट कर दो और बर्गर हो जाएगा एक बर्गर कर देना। सो यहाँ से अभी जल्दी कराते बर्गर। तो ये लग गया बर्गर, ये लग गया टिक्की, अभी बाकी शायद गोलगप्पे बन रहे होंगे तब तक। तो ये बन रहे हैं शॉर्ट और दही वाले गोलगप्पे और यहाँ पे बर्गर रेडी हो रहा है। चलो हो गए हमारे, धन्यवाद गुप्ता जी, ओके चलो चलते हैं। फाइनली ले लिया सामान जो भी करवाना था, चलो क्योंकि मेरी तो रोटी बन गई है, मम्मा का एकदम से मन कर जाता तो सो इसलिए लेके जा रहे हैं। सो ऊपर आ गया था, अभी चेंज किया है प्रॉपर अच्छे से, पूरा फेस वॉश वगैरह किया है और अभी बैठे हैं डिनर करने, इसमें मैंगो शेक और एक सब्जी है वो है पनीर की और रोटी। सो चलो अभी जल्दी से डिनर करते हैं, अभी हो रहे हैं 11, सो चलो जल्दी से फिनिश करते हैं उसके बाद एडिटिंग के लिए भी बैठना है। सो या सो डिनर कर लिया मैंने, अभी हो रहे हैं 11:50। सो या जस्ट अब मैं लेटूंगा और सोऊंगा क्योंकि सुबह से थका हुआ हूँ, सुबह से गया हुआ था और काफ़ी थकावट हो रही है। सो या सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड,
आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, लाइक करके जाओ, और जो चीज़ अच्छी लगी हो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना. और ऐसे ही मिलते हैं न्यू व्लॉग में. एंड या हैप्पी सावन टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली. सो मिलते हैं अगले व्लॉग में. सो गुड नाइट गाइज, गुड बाय.